जिनमें स्वर्ग और पवर्ग, हाँ पवर्ग किसको कहते हैं, मोक्ष को, स्वयं कभी भी उस प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकते जैसे जिस जिज्ञासा में यही जिज्ञासा करो। जिज्ञासा में क्या जिज्ञासा करो, यही सब जिज्ञासा करो। वह क्या है, अन्वय व्यतिरेक रूप में अर्थात योग और वियोग क्रम से मिलन और विप्रलम्भ, विप्रलम्भ मतलब विरहा भाव से जो सर्वत्र है अर्थात समस्त ब्रह्मांडों के अंतर्गत श्री वृंदावन आदि में दास सखा गुरु माता पिता और प्रेमियों में जो सर्वदा अर्थात नित्य ही यथा यहाँ तक कि महाप्रलय काल में भी विद्यमान रहता है, इसके द्वारा दास्य सख्य वात्सल्य और सिंगार रस का आस्वादन सूचित होता है। ये जो अनुवय व्यतिरेक बताया ना, अनुवय व्यतिरेक क्या है, एक तो बता दिया था अनुवय व्यतिरेक प्रतिकूल और अनुकूल, अनुकूल की शिक्षा लेनी चाहिए गुरुजी से ये जिज्ञासा करके, प्रतिकूल और अनुकूल। प्रतिकूल मतलब भक्ति के प्रतिकूल विषय को त्याग और भक्ति के अनुकूल विषयों को ग्रहण करना, समझ में आया। दूसरा है अनुरेग व्यतिरेक का मतलब मिलन और विप्रलम्भ, मिलन और विरहा, योग और वियोग। अनुरेग व्यतिरेक का मतलब क्या है, योग और वियोग। योग वियोग क्या है, ब्रज गोपियों का कृष्ण के प्रति हमेशा से होता है, ये क्या होता है, हमेशा होता है योग वियोग, हमेशा होता है वहाँ नित्य ब्रज में। कृष्ण गोचारण के लिए गए उस समय माता यशोदा वियोगिनी हो गई, नहीं हो गई, वियोगिनी हो करके पागलिनी हो करके वो अटारी के ऊपर नहीं तो वो टीला के ऊपर खड़ी होकर के देखती हैं कब कृष्ण आएगा, हा कृष्ण कब आएगा, ऐसे करके देखती रहती हैं, तकती रहती हैं और रोती रहती हैं। तो ये क्या है, व्यतिरेक, ये क्या है, व्यतिरेक वियोग। गोपियां भी जब कृष्ण चले जाते हैं गोचारण के लिए उस समय घर में बैठे बैठे चिंतन करती हैं, आहा कृष्ण कितना सुंदर जंगल में विहार कर रहे होंगे, हाँ देखो देखो उनके मोर पंख कितना सुंदर लग रहा होगा और कितना सुंदर उनकी झांकी है, बैचंती माला पहने हैं, सखा लोग सब घेर के चल रहे हैं, ऐसी ऐसी गोपियां घर में बैठे बैठे भावना कर रही हैं। क्या कह रही है, अक्षण बिताम फलमिदम न परम विदामह, आंखों का फल तो यही है कृष्ण दर्शन, पर हम ये सौभाग्य हमको प्राप्त नहीं है। ऐसे कर करके रो रही है वियोगिनी, और ये हमेशा से, ये नहीं कि आज ही हुआ, रोज उनके साथ होता है। क्या होता है, रोज प्रतिदिन होता है, तो इसलिए अनुभव और व्यतिरेक मिलन भी होता, ये सर्वत्र सर्वदा हमेशा से होता है रहेगा प्रजन। और ये क्या है, प्रलय काल तक भी ये सब चीज होता है। सखा लोग जब घर में आ जाते हैं, कृष्ण जब घर में चले जाते हैं यशोदा मैया के पास, तब सखा लोग घर में सोचते हैं कल प्रातः कब होगा, कब हम कृष्ण के साथ जाएंगे, ओहो हम कैसे रहेंगे, रात भर कैसे बिताएं, ऐसे ये सखा लोगों का विरह। तो इसलिए ऐसा सबके प्रति होता है ब्रजन, तो इसलिए ये हमेशा से नित्य है और रहेगा, समझ में आया। ये अनुवय अनुवय और व्यतिरेक है, इसलिए कह रहे हैं चिंता मणिर जयति सोम गुरु सोम गिरीर गुरूर में शिक्षा गुरुश्च भगवान सिकी पुच्छ मौली
यत पाद पल्लव कल्प तरु पल्लव भेश शेष शेखरेशु लीला स्वयंब रससम रसरम रससम लभते जयश्री। ये कौन कह रहे हैं? बिल्लो मंगल ठाकुर कह रहे हैं, और ये प्रभुपाद जी का भाष्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चिंतामणि स्वरूप सोमगिरी नामक जो गुरु है वे जयजुक्त हो मेरे। शिक्षा गुरु मयूरपुच्छधारी भगवान श्री जयजुक्त हो। उनके कल्प वृक्ष स्वरूप चरण कमलों के पल्लव रूप नखों के अग्रभाग की शोभा में आकृष्ट होकर के जयश्री श्रीमती राधिका स्वयंवर से उत्पन्न सुख का अनुसंधान करती। भगवान के चरणों में आकर्षित होकर के श्रीमती राधिका भगवान की चरण कामना की लालसा से आती है ना, आकर्षित हो जाती है, इसलिए कह रहे हैं। श्री हरिवल्लभ दिग्विजय ग्रंथ में ये जो बिल्लमंगल ठाकुर की लीला है, उनकी कथा है, कहाँ लिखी है? हरिवल्लभ दिग्विजय ग्रंथ में लिखा है। द्राविड़ त्रिदंडी सन्यासी श्री बिल्लमंगल ठाकुर का आविर्भाव का। अच्छा, ये बिल्लमंगल ठाकुर कहाँ के हैं? दक्षिण प्रदेश के हैं, द्राविड़ देश के हैं। तो इनका आविर्भाव काल अष्टम शताब्दी शक में बताया गया है। अष्टम शताब्दी शक में बताया गया है। बिल्लमंगल जी का द्वारिकाधीश विग्रह के प्रतिष्ठाता राज विष्णु स्वामी के प्रधान शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है। द्वारिकाधीश है ना, भगवान द्वारिकाधीश, उसके स्थापना जो किया है उनका नाम क्या है? राज विष्णु स्वामी। उनके ही प्रधान शिष्य है बिल्लमंगल ठाकुर जी। राज विष्णु स्वामी 1200 वर्ष पहले बने हाँ। राज विष्णु स्वामी के प्रधान शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है। बिल्लमंगल जी के शिष्य देव मंगल आदि है। बिल्लमंगल के शिष्य कौन है? देव मंगल। बिल्लमंगल जी ने 700 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 700 वर्ष तक वृंदावन में ब्रह्मा कुंड के भीतर भजन किया था। कितने वर्ष तक? 700 वर्ष तक कहाँ पे भजन किया? वृंदावन में ब्रह्मा कुंड के भीतर भजन किया। वल्लभ भट्ट के साथ भेंट होने के बाद उनके श्री विग्रह की पूजा का भार हरि भट्टाचार्य के ऊपर दे दिया गया। हाँ, ये जो द्वारिकाधीश के ठाकुर जो बहुत पुराना है, 1200 वर्ष तो अभी हो रहा है, 700 वर्ष तो वो रहे। आप बता रहे हैं कि उनका गुरु हैं, उनके ग्रंथ में लिखा है, उस समय लिखा था बिल्लमंगल ठाकुर का आविर्भाव उस समय 1200 वर्ष पहले। हाँ, तो उससे पहले बैठाया जब उनके शिष्य 700 वर्ष तक तपस्या कर सकता है, तो वो कितने वर्ष से होंगे क्या पता? तो 700 वर्ष वो इसी एक ही शरीर में रहे, और क्या 10 शरीर बदल दिया? हाँ बता रहे थे यहाँ, और चिंतामणि से जो मिले अभी बता रहे, सुनो। हाँ, शंकर संप्रदाय के द्वारिका मठ तालिका में भी चित सुखाचार्य कल्यप्त क्या गौराप्त होता है? कल्यप्त है,
कलियुग में 2315 क्या है, 2315 मतलब नहीं, अभी अभी कलियुग पे चल रहा है कि हमें 5000 करीबन 5035 चल रहा है कलियुग पे। 2300 बहुत होता है, युग परिवर्तन हो जाता है इतने। युग परिवर्तन तो कहने चाहिए, एक बात बता रहा हूँ, नहीं समझा। तो बिल्ला मंगल जी का नाम पाया जाता है, लीला सुख बिल्ला मंगल ठाकुर जी ने अप्राकृत वृंदावन की लीला में प्रवेश की लीला, लीला लालसा से श्री कृष्ण करणामृत गीति या गीत प्रारंभ में तीन प्रकार के गुरु की जय का उल्लेख किया है। तीन प्रकार के गुरु की जय, सबसे पहला गुरु कौन है, पद प्रदर्शक गुरु जो कि श्रवण गुरु चिंतामणि जय। गुरु चिंतामणि है, पद प्रदर्शक गुरु चिंतामणि, पद प्रदर्शक गुरु श्रवण गुरु एक ही है चिंतामणि। और मेरे गुरु सोमगिरी जय, किसका जय, मेरे गुरु दीक्षा गुरु सोमगिरी की जय। और मोर पंख जिनके सिर पर आभूषण है मेरे शिक्षा गुरु वे भगवान वृंदावन चंद्र कृष्ण का जय हो। ये तीन गुरु का, सिकी पुच्छी कृष्ण हो गए और सिकी वृंदावन चंद्र कृष्ण हो गए, सिकी पुच्छी, अरे सिकी पुच्छी वही कृष्ण को ही कह रहे हैं, वृंदावन चंद्र दोनों एक ही हो गए। हाँ, तो उनका जय हो। तो तीन प्रकार के गुरु हो गया ना, पर प्रदक्षक श्रवण गुरु, और दूसरा उनके दीक्षा गुरु, तीसरा शिक्षा गुरु भगवान स्वयं। समझ में आया? तो कल्प वृक्ष की भांति चरण कमलों में पल्लव स्वरूप नख के अग्रभाग से श्री अर्थात महालक्ष्मी को ही जय करने वाली वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका प्रगाढ़ अनुराग के कारण लालसा रस का सुख लाभ करती है। कृष्ण की चरण सुख लाभ कौन करती है, राधा रानी, लक्ष्मी जी नहीं कर पाती। कृष्ण की चरण सुख लालसा लक्ष्मी नहीं कर पाती, इसलिए महालक्ष्मी का भी जो महालक्ष्मी है सर्वलक्ष्मीमयी कौन, श्रीमती राधा रानी, ऐसे श्रीमती राधा रानी का भी जय हो ऐसे कह रहे हैं। अंतर्यामी गुरु चैत्य रूप में अर्थात चित्त में अवस्थित होते हैं, इसलिए उनका सामने साक्षात्कार नहीं हो पाता, इसलिए कृष्ण महंत अर्थात श्रेष्ठ भक्त के रूप में शिक्षा गुरु के रूप में होते हैं। क्या कह रहे हैं, अंतर्यामी गुरु भगवान अंदर जो बैठे हैं उसका साक्षात्कार नहीं हो पाता है, हो पाता है नहीं हो पाता, इसलिए मंत्र गुरु या शिक्षा गुरु के रूप में कृष्ण ही स्वयं बाहर आकर के दीक्षा शिक्षा देता है। समझ में आया क्या कह रहे हैं, बाहर आके दीक्षा शिक्षा देते हैं। अब महांत गुरु शिक्षा गुरु की प्रयोजनता के विषय में कह रहे हैं, मायाबद्ध जीव का मन नाना प्रकार की दुर्वासनाओं से परिपूर्ण है। मायाबद्ध जीव का कैसा है, नाना प्रकार की दुर्वासना, दुर्वासना मतलब इधर उधर की दुर्वासना, और भौतिक सुख में ही मत, भौतिक सुख के लिए तो पागल रहता है, मत मतलब पागल, भौतिक सुख में ऐसा पागल हो गया उनको भगवान का कुछ समझ में ही नहीं आता, इतना पागल हो। जीव की श्री कृष्ण उन्मुखता स्वतः अथवा अपने आप
ही लोगों के सिखलाने से जागृत नहीं होती। जीव की जो गति है वो क्या होता है, अपने आप जागृत नहीं होता। भगवान की उन्मुक्तता, भगवान के प्रति जो उन्मुक्तता है वो अपने आप नहीं होती। वो क्या कह रहे हैं, अपने आप नहीं होती। इसलिए श्री एक वीडियो इसलिए श्री प्रहलाद वचन क्या कह रहे हैं, इसलिए श्री प्रहलाद वचन मतिर्न कृष्णे प्रत्वा स्वतो वा मिथो विपद्येत गृह प्रतानम, ये वाला श्लोक में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, प्रतिपादक शास्त्रों में प्रमाणों से महंत गुरु संसार की सुख का तुच्छता और भगवत प्रेम की परम लोभनीयता दिखलाते हैं, और भी भगवत लीला कथा आदि सुनाकर जीव को इतना आनंदित करते हैं कि जिससे उसके हृदय में दुर्वासना क्रमशः क्षीण हो जाए। भगवान की कथा इतनी सुंदर भाव से सुनाते हैं कि समस्त प्रकार की दुर्वासना क्षीण हो जाए। जीव तब यह विचार करता है कि जिनकी लीला कथा इतनी सुंदर मधुर है, तब उनकी लीला कितनी मधुर होगी, वो स्वयं कितने सुंदर होंगे, उनकी लीला साक्षात कितना सुंदर होगा, भगवान की सेवा उनकी कितना सुंदर अनुभूति होगी, उनके सेवा में कितना आनंद होगा, क्या अपूर्व होगा। महापुरुषों की कृपा शक्ति से और लीला कथा के महत्व से जीव की बहिर्मुखता दूर हो जाती है। महाप्रभु की कृपा, महापुरुष की कृपा और भगवान की लीला कथा श्रवण के माध्यम से जीव की बहिर्मुखता दूर हो जाती है और क्रमशः भक्ति पर अग्रसर होता है, भक्ति पथ पर अग्रसर होता है। क्या कह रहे हैं, भक्ति पथ पर अग्रसर होता है। इसलिए क्या करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए। जब तक कथा नहीं सुनेंगे तो ये भक्ति आ नहीं सकती, ठीक है। वांछा कल्पतरुवश कृपा सिंधुवेदवत्तानं भावनपेश ताकि कथा कह रहे मुझे टाइम का पता नहीं, चलो ऊपर वो कथा सुनना टाइम का मोबाइल में टाइम होता ही नहीं होता।